क्या होगा कालिया Hey guys, welcome to Bolly News, Bollywood की एक और अपडेट के साथ हाजिर है आपका वो एनिमल को लेके बहुत ज्यादा चर्चा इस वक्त बॉलीवुड के अंदर मौजूद है और बॉलीवुड के तमाम फैंस खासतौर पर रणबीर कपूर के तमाम फैंस इस वक्त बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं एनिमल की रिलीज का जो कि होने जा रही है 1st of December को. There are just 2 to 3 days away from the release of Animal. और उसके बाद बॉलीवुड में मचाने वाली है धमाल. जवान और टाइगर 3 के बाद मेरी अपनी ओपिनियन के मुताबिक अगर कोई मूवी धमाल मचाने वाली है तो रणबीर कपूर हैज गिवन हिज बेस्ट इन दिस मूवी और ये मूवी डेफिनेटली बॉलीवुड पे ब्लॉकबस्टर साबित होगी. अभी रिसेंटली जो है वो महेश बाबू ने रणबीर कपूर को दिया है एजाज बेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया का. रणबीर कपूर की एक्टिंग से जो है वो इम्प्रेस होके और रणबीर कपूर की एक्टिंग स्किल्स को लेके महेश ने इस तरह का अनाउंसमेंट किया जिसमें उन्होंने रणबीर को कहा बेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया. ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो स्टारडम की लाइन में बहुत ही सारे हीरोज मौजूद हैं जो कि अपनी डिफरेंट और वर्सटाइल पर्सनैलिटीज और एक्टिंग स्टाइल की वजह से मशहूर है. लेकिन वट मेड महेश थिंग, यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि क्योंकि महेश इज ऑल्सो लाइक ससुर जी ऑफ रणबीर कपूर, दैट्स वाई जो है वो नेपोटिज्म आ सकती है जिसको कंगना बहुत ही ज़्यादा हिट करती है कि बॉलीवुड में जो है अगर बॉलीवुड से नेपोटिज्म निकाल दिया जाए तो उसी सूरत में ही सिर्फ और सिर्फ प्योर टैलेंट छलक के सामने आ सकता है. तो क्या ये नेपोटिज्म की वजह से हो सकता है या फिर जनरल बेसिस पे महेश को रणबीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ दिखी है जिसकी वजह से महेश कहने पर मजबूर हो गए दैट नन अदर देन रणबीर इज द बेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया. आई होप ये अपडेट आपको अच्छी लगी होगी. अपडेट अच्छी लगी होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं बहुत जल्द अगली अपडेट के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. तेरा क्या होगा कालिया.